हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यानी असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना सीखेंगे आज की क्लास में। और फिर कल वाली क्लास में हम सीखेंगे क्या करेंगे, इसी का ठीक उल्टा कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग असर्टिव अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि असर्टिव अफर्मेटिव यानी इसको हम नेगेटिव में ठीक कैसे बदलें। तो उसका रूल नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज वीडियो के तक बने रहें, और अगर आप लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ठीक है, ताकि आप भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स पा सकें यहाँ से तैयारी करके। आइए दिन करते हुए शुरू करेंगे ऐसी शानदार क्लास दशिशा का वीडियो। डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है वो है असर्टिव अफर्मेटिव वाक्यों को नेगेटिव में बदलना, ठीक। यानी जो हमारे असर्टिव अफर्मेटिव वाक्य होंगे, देखिए ही इज लेबोरियस, ये हमारा असर्टिव अफर्मेटिव वाक्य है, इसे हम नेगेटिव में बदलेंगे, ठीक। यानी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एंटोनिम्स के प्रयोग के द्वारा। यानी एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द, ठीक। यानी विपरीतार्थक शब्द के प्रयोग के द्वारा, जैसे देखिए वाक्य की वॉक को नेगेटिव बना दिया जाता है, तो वाक्य की वॉक क्या है, इज है, इज को नेगेटिव बनाने के लिए हम इज नॉट कर देंगे, यानी ही इज नॉट। साथ ही साथ जो हमारा लेबोरियस है एडजेक्टिव, इसका हम एंटोनिम यानी विलोम शब्द लिखेंगे, इसका विलोम बना देंगे। आइए देखते हैं कैसे हम करते हैं ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर देखिए ही इज लेबोरियस, तो पहले तो हम वाक्य की वॉक को नेगेटिव बनाएंगे, तो ही लिखा है यहाँ पर इज नॉट, तो हमारी ये जो वाक्य की वॉक है नेगेटिव हो गई, ही इज नॉट। अब लेबोरियस के स्थान पर हम लेबोरियस को देंगे हटा, तो नॉट लिखा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेजी, लेबोरियस का यानी मेहनती, और मेहनती का जो एंटोनिम होगा वो होगा लेजी, दैट इज व्हाई हम यहाँ पर लिखेंगे लेजी, यानी ही इज नॉट लेजी। मीनिंग को समझते हैं कि मीनिंग क्यों नहीं बदला यहाँ पर, ठीक। देखिए ही इज लेबोरियस यानी वह मेहनती है, आपने कहा ये मेरा भाई है या मेहनती है, ठीक। फिर मैंने दूसरे से कहा कि यह उसका भाई है और यह आलसी नहीं है, तो आलसी नहीं है मतलब मेहनती है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यही तो है कि ही इज लेबोरियस वह मेहनती है, और ही इज नॉट लेजी वह आलसी नहीं है। तो कोई व्यक्ति आलसी नहीं होगा तो क्या मेहनती होगा, यानी मीनिंग बदला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ही इज हैप्पी यानी वह खुश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज नॉट। अब हैप्पी का एंटोनिम क्या होगा, अनहैप्पी, तो अनहैप्पी कर दीजिए, यानी ही इज नॉट अनहैप्पी। देखो वह खुश है, वह दुखी नहीं है, तो दुखी नहीं है मतलब खुश ही तो है, यानी मीनिंग नहीं चेंज हो रहा, यानी ही इज नॉट अनहैप्पी, क्लियर। अवर थर्ड सेंटेंस, माई हॉर्स यानी मेरा घोड़ा रैन वेरी फास्ट, मेरा घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ा। अब इसको हम बनाते हैं माई हॉर्स, अब दौड़ा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो माई हॉर्स डिड नॉट रन। फास्ट का क्या हो जाएगा, स्लो, क्योंकि हम यहाँ पर इसका एंटोनिम रखेंगे, तो माय हॉर्स डिड नॉट रन स्लो, तो मेरा घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ा। ये हो गया हमारे इस सेंटेंस का मीनिंग। अब मेरा घोड़ा धीमे नहीं दौड़ा यानी स्लो नहीं दौड़ा, तो स्लो ना दौड़ने का मतलब हुआ कि घोड़े ने तेजी से दौड़ा, तो यहाँ पर भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, साथ ही साथ जो हमारा होता है एडजेक्टिव उसका एंटोनिम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, यानी विपरीत अर्थ लिखते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं अपने रूल नंबर सेकंड को, डिफरेंट रूल नंबर सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस में डाउटफुल अगर लगा है तो उसके स्थान पर देखिए डाउटफुल के स्थान पर हम लिखेंगे नॉट श्योर, ऑलवेज के स्थान पर नेवर, और ऑल के स्थान पर नन, तथा क्विक अंडरस्टैंडिंग के स्थान पर हम स्लो अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करेंगे। आइए करते हैं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर देखिए इट इज डाउटफुल यानी यह संदेह भरा है, इफ ही विल कम कि क्या वह यहाँ आएगा, तो देखिए यहाँ पर डाउटफुल के स्थान पर नॉट श्योर यानी इट इज नॉट श्योर, देखिए डाउटफुल के स्थान पर नॉट श्योर, तो इट इज नॉट श्योर। अब पूरा छाप दीजिए ही विल कम, ये था हमारा असर्टिव अफर्मेटिव, और इसे हमने बदल दिया है किसमें, नेगेटिव में,
क्योंकि यहाँ पर नॉट का उपयोग हो गया है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, दिस फार्मूला इज मेड फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग। दिस फार्मूला इज मेड फॉर, यानी यह फार्मूला बनाया गया है क्विक अंडरस्टैंडिंग, यानी तेजी से समझने के लिए, ठीक है। तो दिस फार्मूला, ठीक है, इस, अब चूंकि हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट का उपयोग करना है, तो दिस फार्मूला इज नॉट मेड फॉर, और ऐसा भी करना है कि हमारा अर्थ भी ना बदले, ठीक है। तो कोई के जगह पर हम इसका एंटोनिम लिख देंगे, यानी स्लो अंडर स्टैंडिंग। क्यों, देखिए, दिस फार्मूला इज नॉट मेड फॉर स्लो अंडरस्टैंडिंग, यानी ये जो फार्मूला है ये धीमे समझने के लिए नहीं बनाया गया, तेजी से समझने के लिए बनाया गया। वाले सेंटेंस का मीनिंग भी तो यही है कि ये फार्मूला तेजी से समझने के लिए बनाया गया, यानी अर्थ नहीं बदला बिल्कुल। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज ऑलवेज लेट। ऑलवेज के स्थान पर हम नेवर का प्रयोग करेंगे, यानी ही इज नेवर लेट, मतलब देर होना, और देर होना मतलब समय पर होना, यानी एट टाइम हो जाएगा हमारा, ठीक। यानी ही इज नेवर एट टाइम, वह यानी ही इज ऑलवेज लेट, वह हमेशा लेट है, तो वह कभी भी समय पर नहीं है, मतलब लेट ही है, तो यहाँ पर अर्थ नहीं बदला, ठीक है। बड़े फ्रेंड्स, तो आई होप अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल रहे हैं तो आप आसानी से इसे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आइए समझते हैं अपने रूल नंबर थर्ड। बड़े फ्रेंड्स, रूल नंबर थर्ड आइए समझते हैं, देखिए डबल नेगेटिव के प्रयोग द्वारा। देखिए, यदि वाक्य में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका एंटोनिम, अभी तक हम लोग क्या करते थे, एंटोनिम यानी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते थे, फिर एंटोनिम रख देते थे उस सेंटेंस का, यानी जो हमारा एडजेक्टिव होता था उसका। लेकिन अगर किसी का एंटोनिम ही ना बना सके तब क्या करेंगे, तो हमारा रूल यही कह रहा है कि यदि वाक्य में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका एंटोनिम रखा जा सके, तो टेंस के अनुसार हम फेल टू का प्रयोग करके नेगेटिव बनाकर रखेंगे सेंटेंस को, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जानी चाहिए। आइए करते हैं ट्रांसफॉर्म। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखते हैं मेरे फर्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया इन द मॉर्निंग, यानी सुबह, वह सुबह मेरे पास आया। अब इसमें हम करेंगे क्या, ही केम, वह सुबह मेरे पास आया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव का है। इसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही और डिड नॉट लगा देंगे, ठीक, तो ही डिड नॉट। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब से पहले हम फेल टू का प्रयोग करेंगे, ठीक, यानी ही डिड नॉट फेल टू, ठीक। अब केम हमारा सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर लिखेंगे हम कम, तो ही डिड नॉट फेल टू कम, ठीक। अब टू मी पूरा छाप दीजिए इसे, टू मी इन द मॉर्निंग, ठीक, यानी ही डिड नॉट फेल टू कम टू मी इन द मॉर्निंग। अब आप कहेंगे फेल टू का मीनिंग क्या होता है, तो फेल टू का मीनिंग होता है चूकना, ठीक है। तो देखिए यहां पर ही डिड नॉट फेल टू कम, यानी वह आने में नहीं चूका या आने में विफल नहीं रहा, टू मी यानी मेरे पास इन द मॉर्निंग यानी सुबह, यानी वह सुबह मेरे पास आने में विफल नहीं रहा। सेकंड सेंटेंस, ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा, यानी वह एक सांप देखने में विफल नहीं रहा, यानी सी सॉ हमारा देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, यानी यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, सो सी डिड नॉट, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे फेल टू, अब यहाँ पर हम लिखेंगे सी, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ स्नेक, यानी सी डिड नॉट फेल, यानी वह ठीक विफल नहीं रही टू सी अ स्नेक, सी डिड नॉट फेल, वह विफल नहीं रही या वह नहीं चूकी टू सी अ स्नेक, एक सांप को देखने में, ठीक, यानी वह एक सांप को देखने में विफल नहीं रही। तो डिफरेंस इसी प्रकार हम बना सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को। तो डिफरेंस अगर आपको इस प्रकार के सेंटेंस आए तो फेल टू के प्रयोग के द्वारा सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ठीक है। आइए समझते हैं अपने रूल नंबर फोर्थ को। डिफरेंट समझते हैं अपने रूल ऑफ फोर्थ को। यहाँ पर देखिए, यदि वाक्य में एज सून एज का प्रयोग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एज सून एज, क्लियर। यदि वाक्य में एज सून एज का प्रयोग है तो उसके स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर नो सूनर के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होगी, जो भी हमारा यानी जिस भी टेंस का हमारा सेंटेंस होगा उस टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर अन्य शब्द का प्रयोग, और दूसरे क्लास को देन से प्रारंभ करेंगे। आइए करते हैं ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर देखिए, एज सून एज आई रीच द ऑफिस, ठीक, यानी जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा द वर्क स्टार्टेड, काम शुरू हो गया। तो एज सून एज के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, नो सूनर,
अब हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमें कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए रीच्ड पास्ट इनफिनिट टेंस, पास्ट इनफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे, यानी नो सुनो डिड, तो हमारा डिड होता है पास्ट इनफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, यानी नो सुनो डिड। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन पहुंचा भैया, मैं आई, अब मेन वर्ब, तो रीच, यहाँ पर देखिए ईडी यानी सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि हमने डिड का प्रयोग पहले कर लिया इसलिए हमारा केवल रीच हो जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म, यानी नो सुनो डिड आई रीच। अब लिख दीजिए द ऑफिस, ठीक है, यानी अन्य शब्द, ठीक। अब हम यहाँ पर लिखेंगे द एंड, अब द वर्क स्टार्टेड, अरे छाप दीजिए द वर्क स्टार्टेड, क्यों, यानी जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा द वर्क स्टार्टेड, यानी काम शुरू हो गया। अब नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, यानी ज्यों ही डिड आई रीच, यानी नो सूनर डिड आई रीच द ऑफिस, यानी ज्यों ही मैं ऑफिस पहुंचा, देन यानी त्यों ही द वर्क स्टार्टेड, त्यों ही काम शुरू हो गया, ज्यों ही मैं ऑफिस पहुंचा त्यों ही काम शुरू हो गया। यहाँ पर देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, एज सून एज सी कम्स हियर, जैसे ही वह यहाँ आती है वैसे ही द स्मॉल चिल्ड्रन सराउंड्स हर, सभी छोटे बच्चे उसके आसपास घेर लेते हैं, ठीक है, चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो एज सून एज के स्थान पर हम नो सूनर का प्रयोग करेंगे, तो नो सूनर। अब कम्स यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्प वर्ब कौन सा होता है, डज, तो नो सूनर डज। अब सी लिखेंगे यहाँ पर हम सी, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कम, ठीक, तो नो सूनर डज सी कम। अब देखिए यहाँ पर बच गया हियर, तो हियर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे देन का, अब दूसरे सेंटेंस को देन हमने यहाँ पर लिख दिया, अब दूसरे सेंटेंस को ऐसे पूरा का पूरा छाप देंगे, यानी देन द स्मॉल चिल्ड्रन सराउंड हर। ध्यान रखिएगा इधर वाले पार्ट को हमें टच नहीं करना है, हमें केवल एज सून एज को नो सूनर में बदलना है, ठीक है, और यहाँ पर हमें देन का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन करना है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाली करना है बस। अब देखते हैं यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ, नो सूनर डज सी कम हियर, ठीक, ज्यों ही वह यहाँ आती है त्यों ही सारे छोटे बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो माय फ्रेंड्स दिस वाज आवर रूल नंबर 4, अब आइए समझते हैं हम लोग अपने रूल नंबर 5 को। माय फ्रेंड्स रूल नंबर 5 बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए रूल नंबर 5, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के पहले ओनली या बाद में एलोन का प्रयोग है तो उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक, ओनली या एलोन, ओनली पहले एलोन बाद में अगर प्रयोग है तो उन्हें हटा दिया जाता है, और सब्जेक्ट के पहले नन बट बढ़ा दिया जाता है, नन बट, ठीक है। दोस्तों पहले नन बट का मीनिंग समझ लेते हैं, नन बट का मीनिंग होता है कोई नहीं लेकिन, ठीक, कोई नहीं लेकिन नन बट का मीनिंग होता है। अब यहां पर समझते हैं रूल नंबर 5 हमारा कह रहा है कि यदि, ठीक, सब्जेक्ट हमारा क्या है माय फ्रेंड, यदि सब्जेक्ट के पहले ओनली या फिर सब्जेक्ट के बाद एलोन का प्रयोग है तो ओनली और एलोन को हटा देते हैं, और सब्जेक्ट से जस्ट पहले हम नन बट का प्रयोग कर लेते हैं। नन बट देखिए, ओनली माय फ्रेंड कुड हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन, ओनली मतलब हो जाता है केवल, माय फ्रेंड यानी मेरे मित्र ने, यानी केवल मेरा मित्र कुड हेल्प मी मुझे मदद कर सका इन द एग्जामिनेशन, यानी केवल मेरे मित्र ने मुझे परीक्षा में मदद कर सका, यानी केवल मेरे मित्र ने, ठीक, मेरी परीक्षा में मेरी मदद की या मेरी मदद कर सका। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली को हटाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे नन बट, अब पूरा का पूरा छाप देंगे ऐसे, ठीक, तो नन बट माई फ्रेंड कुड हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन, ठीक, फैक्ट को समझते चलिए और कुछ करना नहीं है, दिस इज वेरी इजी, राइट। अब यहाँ पर देखिए नन बट का मतलब क्या होता है, कोई नहीं लेकिन, तो कोई नहीं लेकिन माय फ्रेंड यानी मेरे मित्र ने कुड हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन, कोई नहीं लेकिन मेरा मित्र मुझे परीक्षा में, ठीक, मेरी मदद कर पाया। सेकंड सेंटेंस, रमन एलोन पास्ड द एग्जाम, एलोन माने अकेला, तो यानी रमन ने केवल अकेले ही परीक्षा उत्तीर्ण किया। अब यहां पर क्या करेंगे, नन बट बढ़ा देंगे, तो नन बट अब लिखेंगे हम रमन, नन बट रमन पास्ट द एग्जाम, मीनिंग क्या निकला, नन बट रमन यानी कोई नहीं लेकिन रमन
पांच पता एग्जामिनेशन कोई नहीं, लेकिन रमन ने एग्जामिनेशन यानी परीक्षा को पास कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा रूम ऑफ फिफ्थ। यदि वाक में सब्जेक्ट के पहले ओनली या सब्जेक्ट के बाद अलोन लगा रहे तो ओनली अलोन को हटाकर उसके स्थान पर यानी सब्जेक्ट से जस्ट पहले नंबर का प्रयोग करेंगे, फिर पूरा का पूरा उसे छाप देंगे। क्लियर, नंबर का मतलब होता है कोई नहीं लेकिन। ठीक, आइए समझते हैं अपने रूल नंबर सिक्स को। व्हाट इज रूल नंबर सिक्स, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यदि वाक इंपरेटिव है और वहाँ रिफ्रेन फ्रॉम देख लेते हैं, आप रिफ्रेन फ्रॉम स्टॉप अवॉइड या फिर सीज टू का प्रयोग है, ठीक है, तो उन्हें हटाकर डोनॉट का प्रयोग किया जाता है। आइए करते हैं ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर देखिए, रिफ्रेन फ्रॉम स्टॉप अवॉइड सीज टू, इन सबको हम देंगे हटा, इनके स्थान पर प्रयोग करेंगे किसका, डोनॉट का। तो रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन था इसलिए स्मोकिंग हमारा यहाँ पर जो जेरेंड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम फ्रॉम को हटाएंगे तो हमारा जेरेंड से सिंपल हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो Do not smoke, धूम्रपान मत करो, यानी do not smoke हमारा verb हो गया ये, ठीक है। अब stop को यहाँ से हटाया, अब talking here, तो don't या do not talk here हो जाएगा हमारा, ठीक। यहाँ पर avoid को हटाया, यहाँ पर do not का प्रयोग करते हैं, तो do not living का हमारा live हो जाएगा with, यहाँ पर bad boys होगा, ठीक है, तो do not live with बैड बॉयज, ठीक। और सीज टू वॉक इन द सन, तो सीज टू को हटाया तो वॉक इन द सन यानी डू नॉट वॉक इन द सन, ठीक। इसी प्रकार आप से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर डू नॉट के स्थान पर आप डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डोंट स्मोक, ठीक, और डोंट टॉक हियर, डोंट लिव विद बैड बॉयज, Do not या don't walk in the sun। अब आपने कहा कि आपने तो हिंदी मीनिंग समझाया नहीं, समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए भैया, refrain from का मतलब होता है से बचो, से बचो। Stop का मतलब होता है बंद करो। Avoid का मतलब होता है दूर रहो। Cease to मतलब होता है बंद करो, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर refrain from smoking यानी धूम्रपान से बचो, यानी डू नॉट स्मोक धूम्रपान मत करो, मतलब धूम्रपान से बचो। अर्थ यहाँ पर नहीं बदला है, स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया, क्लियर। देखते हैं सेकंड सेंटेंस, स्टॉप टॉकिंग हियर, यहाँ बातें करना बंद करो, ठीक, यानी डू नॉट टॉक हियर, यहाँ बात मत करो या फिर यहाँ बातें करना बंद करो। अर्थ बदला, नहीं बदला, ठीक। यहाँ पर देखते हैं अवॉइड लिविंग विथ बैड बॉयज, यानी अवॉइड लिविंग, दूर रहो, ठीक, बुरे लड़कों के संगत में रहने से दूर रहो, यानी डू नॉट लिव विद बैड बॉयज, यानी बुरे लड़कों के साथ मत रहो। सीज टू वॉक इन द सन, यानी धूप में चलना बंद करो। तो आपके कहने का मतलब है कि धूप में मत चलो, यानी डू नॉट वॉक इन द सन, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो ये थे आपके सेंटेंसेस जिनको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया। इनका अर्थ नहीं बदल रहा है लेकिन इनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आइए समझते हैं अपने रूल नंबर सेवन को। डिफरेंस रूल नंबर सेवन यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यदि असर्टिव सेंटेंस टू यानी एडवर्ब टू डॉट 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 टू से बना है तो उसे सो डॉट 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 दैट का प्रयोग करके नेगेटिव में बदला जाता है। याद करिए, जो हम लोगों ने शुरुआत ही किया था ट्रांसफॉर्मेशन का, तब एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करते थे, सेम रूल है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर हम एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे और कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। अब चूंकि ये सेंटेंस जो है हमारा क्या है, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये हमारा असर्टिव और अफर्मेटिव, इसे हम बनाएंगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव में बनाएंगे तो हमारा ही कैन नॉट नहीं हो जाता था, कैन नॉट लग जाता था। यहाँ पर देखिए, ही इज, टू को हटाएंगे, ठीक, तो सो का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर टू डॉट 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 टू, यानी टू और बीच में एंग्री, यानी एडजेक्टिव जो हमारा, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर लिखेंगे हम सो, यानी टू के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे और टू के स्थान पर दैट का, यानी ही सो एंग्री दैट, इस टू को हटा देंगे, इस टू को भी हटा देंगे दैट। हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पर ही, अब यहाँ पर लिखेंगे कैन, ठीक है, अगर यहाँ पर इज है तो ही कैन नॉट हेल्प यू, मीनिंग क्या निकला, ही इज टू एंग्री, वह अत्यधिक नाराज है, टू हेल्प यू तुम्हारी मदद करने के लिए अत्यधिक नाराज है, यानी वह इतना नाराज है कि वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, आई एम टू टायर्ड टू वॉक ऑन फुट,
यानी आई एम, मैं हूँ टू टायर्ड यानी अत्यधिक थका, टू वॉक ऑन फुट यानी पैरों पर चलने के लिए अत्यधिक थका हूँ, यानी मैं इतना थका हूँ कि यानी आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक ऑन ठीक फुट क्लियर। यानी आई एम, टू को हटाया सो लगाया यहाँ पर, और यहाँ से टू को हटाया दैट लगाया, बीच में टायर्ड लिख दिया। अब यहाँ पर दैट के इस पार हमें अपनी क्लास यानी अपनी तरफ से सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है आई, फिर हमने कैन नॉट का प्रयोग किया सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, फिर छाप दिया उसे वॉक ऑन फुट, यानी आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हूँ कि आई कैन नॉट वॉक ऑन फुट, कि मैं अपने पैरों पर नहीं चल सकता। तो मेरे फ्रेंड्स ये था आपका रूल नंबर 7, आइए समझते हैं रूल नंबर 8 को। डिफरेंस रूल नंबर 8, आप लोग जानते हैं हम लोग सीख रहे हैं असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलना, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं रूल नंबर 8 को। देखिए यदि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी तुलना की अवस्था हो, ठीक है, वो 80 डिग्री हो, कंपैरेटिव हो या फिर सुपरलेटिव हो, कोई भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो, तो उसे किसी ऐसे डिग्री में बदला जाएगा जिसमें नो या नॉट का उपयोग होता हो, क्योंकि हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव बदल रहे हैं, तो जो हमारा सेंटेंस बदलना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, बदलकर नेगेटिव लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कोई ऐसी डिग्री चूज करनी होगी जो नेगेटिव फॉर्म में आती हो, ठीक है। अब यहां पर हम समझेंगे ही इज टालर देन हिज फ्रेंड, यानी ही इज, वह है टालर देन हिज फ्रेंड, यानी अपने मित्र से ज्यादा बड़ा, वह अपने मित्र से ज्यादा बड़ा है। अब ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री जो कि असर्टिव अफर्मेटिव में है, इसे हम नेगेटिव में बदलेंगे। तो He is taller than his friend, वो अपने मित्र से ज्यादा बड़ा है, यानी उसका मित्र उससे ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी his friend, ठीक, is not so tall as he, ठीक है। यहाँ पर क्या मीनिंग निकला, his friend यानी उसका मित्र is not so tall यानी उतना लंबा नहीं है जितना वह है, ठीक, यानी उसका मित्र उतना लंबा नहीं है जितना वह है, यहाँ पर नॉट का उपयोग हुआ, क्लियर। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव का, ठीक। अब यहां पर देखते हैं सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर टाइम, सी इज, वह है मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़की ऑफ हर टाइम, अपने समय की, वह अपने समय की सबसे बुद्धिमान लड़की है, कौन है वह, यानी ये हमारा है सुपरलेटिव में। अब इसे हम किसी ऐसे डिग्री में चेंज करें जिसमें नॉट का उपयोग हो सके, तो इसे हम बनाते हैं नो अदर गर्ल, ठीक, ऑफ हर टाइम सो इंटेलिजेंट, ठीक, सो इंटेलिजेंट एज सी, तो नो अदर गर्ल ऑफ हर टाइम, यानी कोई अन्य लड़की उसके समय की, ठीक, इज यानी नहीं है सो इंटेलिजेंट यानी उतनी बुद्धिमान जितना कि वह है, तो कोई अन्य लड़की उसके समय की उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वह है। तो मेरे फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ये हमारा सेंटेंस था कंपैरेटिव का, इसे हमने पॉजिटिव में चेंज किया है, ये हमारा सुपरलेटिव का था, इसे भी हमने पॉजिटिव में चेंज किया है, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स ये था आपका रोल नंबर 8, अब आइए समझते हैं अपने रोल नंबर 9 को। मेरे फ्रेंड्स आज की क्लास का लास्ट रोल नंबर 9, बहुत अच्छे से समझते हैं मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए रोल नंबर 9, यदि वाक्य में हैज हैव हैड का अर्थ जो है रखना अथवा पास होना है, ठीक है, तब हैज हैव हैड को हटाकर टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के बाद टेंस के अनुसार इसे मार लगाएंगे, इसे मार लगाकर नॉट विदाउट बढ़ाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। आइए करते हैं ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फायर हैज स्मोक, यानी आग में धुआं होता है या आग के पास धुआं होता है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, हैज यानी प्रेजेंट में है, इसीलिए इसके साथ हम इज एम आर कोई भी लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फायर, ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फायर को जो कि है हमारा सब्जेक्ट। अब हैज है यानी इज लगा सकते हैं, यानी फायर इज, अब नेगेटिव बना लेंगे नॉट, नॉट विदाउट पढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए नॉट विदाउट, हैज को हटाएंगे, फायर इज नॉट विदाउट, बचा क्या स्मोक, इसे भी लिख देंगे, यानी फायर इज नॉट विदाउट स्मोक, जो आग है ठीक बिना धुएं का नहीं होता है। सेकंड सेंटेंस रोजेज हैव थॉर्न्स,
यानी गुलाब में कांटे होते हैं या गुलाब के पास कांटे होते हैं, तो हर को हम देंगे आटा। यहाँ पर लिखेंगे रोजेस। अब रोजेस हमारा क्या है? प्लुरल है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आर। तो रोजेस आर नॉट, विदाउट पढ़ाएंगे हम, थॉर्न्स। यानी रोजेस आर नॉट विदाउट थॉर्न्स, यानी गुलाब बिना कांटे के नहीं होते हैं। थर्ड सेंटेंस, द किंग हैड अ वास्ट एम्पायर। द किंग यानी राजा, हैड यानी के पास था, एक बेस्ट एम्पायर यानी एक विशाल साम्राज्य, राजा के पास एक विशाल साम्राज्य था। तो यहां से हैड को हम हटाएंगे, यानी द किंग, ठीक है। अब हैड यानी था यानी वाज हो जाएगा, ठीक है। द किंग वाज नॉट विदाउट, नॉट विदाउट को आगे बढ़ाएंगे हम, आ वेस्ट एम्पायर, क्लियर। यानी द किंग वॉज नॉट विदाउट, यानी किंग नहीं था विदाउट अ वेस्ट एम्पायर, एक विशाल साम्राज्य के बिना नहीं था, यानी राजा एक विशाल साम्राज्य के बिना नहीं था। तो हमारे फ्रेंड्स, ये था आज की क्लास का लास्ट रूल और ये थे लास्ट एग्जाम्पल, जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अब जो आज हमने सीखा है कि कैसे हम असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलते हैं, ठीक इसी का उल्टा हम लोग आगे की क्लास में समझेंगे, ठीक उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम नेगेटिव को असर्टिव अफर्मेटिव में बदलेंगे, इसी का उल्टा। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कोई डाउट आपको बच गया, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो अभी कमेंट करिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, आई होप कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो अभी लिखे कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यार अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, आप लोग शेयर नहीं करते हो। अगर आपको वीडियो साथ में पसंद आया तो एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर बताइए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमॉरो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।